दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से स्मार्ट LED TV में जियो सिनेमा डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐप्स पर जाते हुए यहाँ पर जो ऐप्स स्टोर है उसको ओपन कर लेना है। देखिए, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर आपको जियो सिनेमा यहाँ पर आपको टाइप करना है। देखिए यहाँ पर आप जियो भी लिख सकते हैं। सिर्फ लिखने के बाद यहाँ पर जो रिमोट का इसीट बटन है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जियो सिनेमा ऐप्स है उस पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको रिमोट के ज़रिए से ही आना है। देखिए जो डाउनलोड है उस पर इसको इसीट करना है। इस प्रकार से आता है तो यहाँ पर डाउनलोड इस पर क्लिक कर लेना है। देखिए इस प्रकार से फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो नंबर है वो 100 तक जाएगा, देख सकते हैं। फिर इसको सिंपली सा आपको ओपन करना है। यहाँ पर आप कोई भी टाटा IPL जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको जो जियो सिनेमा ऐप्स है उसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए इस प्रकार से ये डाउनलोड हो रहा है। फिर यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग दिखाई देगा, फिर ये ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर इस पर क्लिक करना है सिंपली सा, या फिर आप ऐप्स में जाकर भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहीं से ओपन कर रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से ओपन करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर इन लॉग इन कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर स्किप, देखिए इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे चलाने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको टाटा IPL ओपन कर दिखाता हूँ। और बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप आकर टाटा IPL चला सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।